प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ह दसवीं और बारहवीं के नतीजा गुरुवार के घोषित कर दे। नतीजा के बाद ले टॉपर मन के घर में शुभकामना के सिलसिला जारी है। आखिर टॉपर मन के पढ़ाई ला लेके कैसे दिनचर्या होते, देखो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हा दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट जारी करी, जहां एक बार फिर प्रदेश के बेटी मन हा बाजी मारे। बारहवीं में टॉप 5 स्टूडेंट में 4 लड़की और 1 लड़का शामिल है। दसवीं के बात करें तो दसवीं बोर्ड में 75% छात्र मन पास हो, जेमा लड़की मन अव्वल रही। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रेणु पिल्ले हा बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करी, जेमा बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में महासमुंद के महक अग्रवाल हा टॉप करी। महकला 500 अंक में कुल 487 अंक मिले है। बारहवीं में टॉप करे के बाद महक के घर बधैया मन के ताता लगे हुए है। बहुत बहुत मेहनत की थी, ऑब्वियस सी बात है, बिना मेहनत के तो कोई भी फर्स्ट नहीं आ सकता है। एग्ज़ाम के दिन तो 4-4 बजे उठना पड़ता था वापस से रिवाइज करने के लिए, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना कभी भी अपने माइंड में प्रेशर नहीं रखना चाहिए कि शिट आज एग्ज़ाम है कैसे करेंगे, हमेशा अच्छे से लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें जसपुर के रहैया वाली आयुषी गुप्ता हा बारहवीं में तीसरे स्थान प्राप्त करी। आयुषी के ए प्रदर्शन ले परिजन मन में खुशी के माहौल है। अगर मैं अपने स्टडी ड्यूरेशन की बात करूं तो मेरी जो स्टडी ड्यूरेशन रहती थी वो 6 से 7 घंटों की रहती थी, उसमें से इफ़ेक्टिव स्टडी अगर बोला जाए तो 5 से 6 घंटे की रहती थी। ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्ट करता है अपनी स्टडी आवर में, और जो पास नहीं भी हुए चाहे 1 मार्क्स से या 1% से चूक भी गए तो आगे की फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करें। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरा शुरू से ही विज़न और एम क्लियर रहा है कि मुझे सीए करना है। उन्हें बालोद निवासी हर्षवती साहू हा बारहवीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाए हैं। झलमला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ैया हर्षवती साहू के कामयाबी ले टीचर और परिजन बहुत खुश है। संगी हर्षवती के कहना है कि वो आगू शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते। अपने सभी टीचरों को इसका श्रेय देना चाहती हूँ और उन्हीं की मेरे ऊपर इतना भरोसा था और उन्हीं की मेहनत के कारण आज मैं छत्तीसगढ़ 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अपना 5वां स्थान बना पाई हूँ। थैंक यू सो मच माय ऑल टीचर्स। मेरे फैमिली वाले ने तो बहुत मेहनत किया है हम लोगों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए, उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और हम लोगों को इस मुकाम पर पहुँचाए हैं, तो मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पखांजूर के मरोड़ा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ैया कनकना घरामी हा बारहवीं में 8वां रैंक हासिल करे है। कनकना हा अपन कामयाबी के श्रेय परिजन और शिक्षक मनला दी। ये जो सफर रहा कक्षा बारहवीं का, निश्चित रूप से बहुत ऊंच और नीच से भरा हुआ रहा। इतनी ऊंचाइयों और इतने बुरे परिस्थितियों में मेरा गुजरा, मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे सही में बहुत मेरे रूह कांपते हैं कि मेरी बहुत बुरी परिस्थिति में यह साल गुजरा, लेकिन ये संभव हो पाया सबसे पहले मेरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोड़ा के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इतना फैमिलियर बिहेवियर रहा उनका, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला श्रेय जो है निश्चित रूप से वही इसके हकदार है। और मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा, और इसमें बहुत खास योगदान रहा मेरे बड़े भैया का जिनका आज जन्मदिन भी है, तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा खुशी का माहौल है। उन्हें दसवीं के बाद करन था जसपुर के रहैया सिमरन सब्बाहा दसवीं में पहले स्थान मिले है। सिमरन के टॉप करे में बड़ संख्या में लोगों नौकर घर पहुंच के सिमरन ला बधाई दी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 10th में एडमिशन लिया था, वहाँ की पढ़ाई जो बहुत ही अच्छी है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। के समय में लोग कोचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्या आपने कोचिंग कहीं से ली थी? नहीं, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की, ना ही मैंने फ़ोन में ऑनलाइन कोचिंग की, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। कितने घंटे पढ़ती थी? उसको टाइम मिलता था सर ना, वो पढ़ा ही करती थी, टाइम का कोई लिमिट नहीं था, कभी तो 7 घंटा कभी 6 घंटा, ऐसा नहीं है कि बस टाइम से ही पढ़ी, जब वो टाइम मिला वो पढ़ाई करती थी। बहुत खुश है, वो अपना मेहनत से वो सब की है, ऐसा नहीं है। संघी गरियाबंद के पिंगेश्वर निवासी होनिशा साहूला दसवीं में दूसरे स्थान मिले है। होनिशा साहूला दसवीं में 98.83% नंबर मिले है, जिला लेके होनिशा साहू के गांव में काफी खुशी के माहौल है। मैं प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी, जो भी स्कूल में बोला जाता था उसका पूरा पालन करती थी, और जैसा टीचर बोलते थे वैसा ही करती थी, और
डेली सुबह 4 बजे उठती थी मैं और रात को 10-11 बजे तक पढ़ाई करती थी। टीचर स्कूल में जिस तरह से पढ़ाते हैं, जिस तरह गाइड करते हैं, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर हूँ। उहे बेमेतरा के रहिया सेजल ध्रुव हा 10वीं के टॉप 10 मा अपन स्थान बनाए हैं। सेजल ध्रुव ला 600 मा 584 अंक मिले हैं। सेजल के कहना है कि आगे चल के वो प्रोफेसर बनना चाहते। काफी अच्छा पल है जब आप कुछ पाना चाहो, आपको जब मिल जाता है तो उस तरीके का कि हार्ड वर्क बस करते रहो, फल को मत देखो, बस मेहनत करते रहो, आपका फल आपको मिल जाएगा। लेके आगे पढ़ना है अच्छे से काम, फिर प्रोफेसर वाला जो एग्जाम होता है वो क्लियर करके वो जॉब करना है प्रोफेसर वाला। एति मनेंद्रगढ़ के रहिया सिप्रा तिवारी हा 10वीं में मेरिट लिस्ट में अपन जगह बनाए हैं। सिप्रा तिवारी के कहना है कि वो भविष्य में IAS ऑफिसर बनना चाहते। मैं नहीं था लेकिन हाँ, हार्ड वर्क किया है, पढ़ाई की है, रैंक आया, अच्छा लगा। मेरी एल्डर सिस्टर से ही मैं इंस्पायर हूँ और उन्हीं के जैसा पढ़ना चाहती हूँ, उन्हीं के जैसा बनना चाहती हूँ। उहे मुंगेली के रहैया योगेश साहू हा 10वीं माँ टॉप 8 माँ अपन जगह बनाए हैं। योगेश ला 600 अंक माँ 585 अंक मिले हैं। योगेश के माता और पिता दोनों ही सरकारी स्कूल में शिक्षक है। परिणाम घोषित होने के बाद योगेश ला बधाई देवैया मन के ताता लगे है। एग्जाम कर लेकर तैयारी रही सर, साथ में मेरे जो मेरे मम्मी पापा थे उनको उनका स्ट्रगल था और मेरा भी स्ट्रगल था, और मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जितने भी मेरे स्कूल है, सब ने मेरे को अच्छे सपोर्ट किया, जिसके कारण आज मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। और सर पढ़ाई तो सर मैं अपने स्कूल में, स्कूल तो जाता ही था, स्कूल के साथ में स्कूल के आने के बाद मैं रोज़ 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ाई करता था सर। तो बचपन में जो गरीबी जो झेला हूँ, और मेरे पिताजी सर एक मजदूर हुआ करते थे, और हमको जैसा भी है सर सरकारी स्कूल में पढ़ाया जैसा भी है, उस टाइम के हिसाब से भी वो लोग मेरे माता पिता लोग बहुत मेहनत किए और जैसे तैसे हमको सरकारी स्कूल में पढ़ाए। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता सर कि मेरे बच्चे जो है मेरे से नीचे रहे या उनको तकलीफ़ मिले। तो मैं इनको सारी चीज़ें जो है सर, एक छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं आसपास में, परिवार में, समाज में, देश राष्ट्र में, हर जो घटना होती है सर, उनका विश्लेषण हम लोग अपने परिवार में बैठ के एक साथ करते हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा निवासी 10वीं के छात्र जागृति प्रजापति ला 97.17% अंक के साथ मेरिट में 10वां स्थान हासिल करे है। ये मौका में जागृति के परिजन काफी खुश नजर आए। जागृति के माँ के कहना है कि जागृति हा कड़ा मेहनत ले अपने मुकाम हासिल करी है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स सर सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पढ़ाने में। हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, मतलब कि अच्छे से बताया था उन्होंने हर चीज़ को, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी अपने मेहनत पे जैसे भी है ये मुकाम हासिल की है, अगर आज इसके पापा होते तो बहुत खुश होते वो। छत्तीसगढ़ में जहाँ एक और छात्र मन हा बोर्ड एग्जाम में बाजी मारी है, ता उहे सरकारी स्कूल के छात्र बोर्ड परीक्षा में टॉप मार रहे है। 10वीं और 12वीं के इस साल के रिजल्ट पाछू 3 साल के मुकाबला सबले बेहतर रहे है। जिला लेके स्टूडेंट मन के संग शिक्षक मन में घलो खुशी के माहौल देखे बर मिलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड के परिणाम में बेटी मन हा बाजी मारे। रिजल्ट जारी होए के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सोशल मीडिया में 10वीं-12वीं के उत्तीर्ण स्टूडेंट मन ला बधाई दी। 10वीं के टॉपर छात्र सिमरन और 12वीं के टॉपर छात्र महक अग्रवाल ला बधाई दे मुख्यमंत्री उज्जवल भविष्य के कामना कर। संघ ही मुख्यमंत्री परीक्षा में असफल विद्यार्थी ले निराश होए के और निरंतर निराश नहीं होए के और निरंतर मेहनत करे के बात कही। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक, बार बने रहो आपके अपन चैनल विस्तार न्यूज के संग।